चलें जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे। हम लोग अब आज क्या काम करने वाले हैं, आज आके हम लोग अपना पूरा का पूरा जो है ना रिएक्ट, और इसके अंदर हमने काम क्या क्या किस तरह से करने हैं जरा उनके बारे में बात करने हैं। इसके क्या लोग पूरे फंडामेंटल्स होने वाले हैं हमारे आज रिएक्ट में, कि जो काम हम लोग अपनी HTML और JS में और CSS में भी पहले करते रहे हैं, वो सारे के सारे काम हम लोग किस तरह से अपनी JS में कर सकते हैं, रिएक्ट में कर सकते हैं। सही है, क्योंकि हमारा मेन मोटो तो यही है ना कि हमें रिएक्ट के थ्रू सारा काम करना है, ना कि HTML CSS के पास जाएं। अगर हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना है रिएक्ट ही काम आएगा हमारे पास, अगर हमें कुछ और काम करना है लाइक अपना लॉजिक बनाना है रिएक्ट ही हमारे पास, अगर CSS ऐड करनी है स्टाइलिंग करनी है रिएक्ट ही है हमारे पास। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कह लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारे इस पूरे कोर्स का। चले जी, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर पूरे जो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, हमने पहले बात कर ली काफी डिटेल में। हमें पता है कि यार SRC एक फोल्डर है हमारे पास, और उसके अंदर क्या सीन है, उसके अंदर एक मेन फाइल होती है index.js की फाइल। आपको याद होगा बाकी का इसमें काफी फाइल्स पड़ी हुई थी, मैंने क्या काम के सारी डिलीट कर दी थी। सही है, पहले इसके अंदर काफी फाइल्स पड़ी हुई थी, मैंने सारी डिलीट कर दी, सिर्फ एक अपनी फाइल रखी है। वो कौन कौन सी फाइल है, सिर्फ index.js की फाइल, जो कह लो कि हमारी रूट फाइल होती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते हो, मैं इसका नाम harris.js नहीं रख सकता। मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि यार इसका नाम कुछ भी रख लो, अपना नाम रख लो, इसका नाम नहीं चेंज हो सकता हमारा। सही है, बिकॉज ये हमारी रूट फाइल होती है, इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो एक इंडेक्स कीवर्ड है ना, इंडेक्स हमारा कीवर्ड है, हर लैंग्वेज में इंडेक्स स्पेसिफिक कीवर्ड होता है हमारी रूट को एक्सेस करने के लिए। तो हारिस वो रूट नहीं है, इंडेक्स वो रूट है। ठीक है, तो मैं इसको वापस कर दूंगा, मेरा वही इंडेक्स। चलें जी, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस इस फाइल के स्ट्रक्चर को सिंपल। वो बात क्या कर रहा है हमसे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, पहली बात तो ये कर रहा है हमारे पास। तो अब ये जो रिएक्ट है हमारे पास, ये क्या चीज है, ये हमारे पास वेरिएबल है एक तरह का, सिंपल एक तरह का वेरिएबल है। और ये रिएक्ट क्या है, ये वो पैकेज है जो इंस्टॉल किया जा रहा है। इस एक लाइन का मतलब सिंपल ये है कि यार मेरे रिएक्ट पैकेज को इंपोर्ट कर लो मेरे इस वेरिएबल के अंदर, रिएक्ट के अंदर। तो अगर ये मेरा रिएक्ट वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये यार मेरा एक तरह का वेरिएबल है, बट इसका नाम मैं चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है, पूरा लाइब्रेरी है, पूरा पैकेज है वो। तो इसका नाम मैं चेंज नहीं कर सकता, बट मैं मेरे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकता हूँ। बट ऑब्वियस एक कॉमन कन्वेंशन जो है और एक अच्छा जो तरीका है, वो इसको रिएक्ट रखना ही होगा, अपना नाम रखना नहीं होगा इसका। सही है, तो मैं इसका नाम वही रिएक्ट रख दूंगा, कंट्रोल जी कर लो इसको एक बार आकर, कंट्रोल सी, ठीक है, रिएक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या काम किया, बस अपनी उस रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिए यहाँ पे आके अपने पास, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिए। अगली बात, रिएक्ट में आपका मसला आ रहा था JS में कि JSX में, JS में, लेकिन इसमें नहीं, अच्छा लाइट हो रहा था, वो यूज नहीं हो रहा होता ना, तो इसलिए वो एरर दे देते हैं। अब देखो, ये अगर मैं यहाँ पे आके हारिस कर देता हूँ ना, ये ब्लू यूज नहीं हो रहा कहीं पर भी, रिएक्ट यूज हो रहा था आगे वेरिएबल, ठीक है, इसलिए कंट्रोल जी वापस इसको कर रहा हूँ। अच्छा, अगली चीज क्या हमारे पास, इंपोर्ट करो रिएक्ट डॉम को, कहां से, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से। अब रिएक्ट डॉम क्या चीज है, रिएक्ट डॉम हमारे पास है कि आप अपनी HTML के डॉम को एक्सेस करो रिएक्ट के अंदर रहकर, और आगे स्लैश क्लाइंट है, उसकी क्लाइंट साइड है मेरे हमारे पास ये। अच्छा, ये कोड भी याद रखना नहीं रखना है हमें, ये बाय डिफॉल्ट हमें खुद मेरा मिला है, हमने खुद इसको टाइप नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमने एक्सेस किया, ये भी हमारे पास एक तरह का वेरिएबल है रिएक्ट डॉम के नाम से। कॉस्ट रूट, ये भी एक वेरिएबल है, रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम, हमने जो ऊपर इंपोर्ट किया है ना, उसी रिएक्ट डॉम के थ्रू हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अपना एक क्रिएट कर रहे हैं एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमने एक्सेस कर लिया उस चीज को, ठीक है। और उसके बाद इसी रूट को रेंडर कर दिया, और मैं इस चीज को भी हटा सकता हूँ स्ट्रिक्ट मोड को, इसको भी मैं हटा दूंगा। तो सिंपल मेरा रूट डॉट रेंडर कर रहा है हेलो वर्ड आकर यहाँ पे, इसको हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टर्मिनल नीचे से खोल रहा हूँ, कमांड क्या थी स्टार्ट करने की, भला npm start के हमारे पास कमांड होती है अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। npm start जरा एंटर करते हैं यहाँ पे आके, और ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट मेरे ब्राउजर में। इसको मैं वापस पीछे कर रहा हूँ ताकि मेरी तो, हमने JS में बड़ा या तो एलिमेंट को क्रिएट करें या उसको गेट करें, उधर दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी फाइल में होगा। आप प्योर JS का जो लॉजिक है ना, वो सिर्फ इसी फाइल में लगाते हो, और कहीं लगाते ही नहीं हो आप, ठीक है। हमारा पूरा कवर स्ट्रक्चर, पूरी हमारी क्या एप्लीकेशन है, वो SRC फोल्डर के अंदर होने वाली है, बट हमारा रूट इंडेक्स है, इसके अंदर आप अपनी JS थोड़ी बहुत इतनी सी लिख सकते हो, सही है। बाकी अगर आपने कुछ JS के लॉजिक्स लिखने हैं ना, उसके लिए हमारे पास कुछ और इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, हम लोग उनको यूज करते हैं।
ओके जी, ब्राउजर में आते हैं, हेलो वर्ड हमारे पास आ रहा है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग आकर जरा देखते हैं रूट में लिए हमारा वेरिएबल है, पहली बात तो ये ठीक है। ऊपर हमारा जो रूट था वो एक वेरिएबल था, और हमने इस वेरिएबल की इक्वल क्या चीज की है, अपनी वो index.html वाली फाइल के अंदर जो हमारी आईडी पड़ी है वो उसके थ्रू आपने क्रिएट करना है, क्रिएट रूट करेगा हमारा आगे जाकर, ठीक है। अब वही रूट को हम लोग आगे रेंडर कर रहे हैं कि यार हमारी इस आईडी के अंदर जो आईडी रूट थी हमारी, उसके अंदर आप क्या काम करो, हमारी चीज एक पूरा स्ट्रक्चर रेंडर कर सकते हो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये सिर्फ फिलहाल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, पूरी फाइल हो सकती है, पूरी एप्लीकेशन हो सकती है, ये वही रेंडर करेगा आपसे, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल क्या काम करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। फंक्शंस के बारे में लास्ट क्लास से भी बात की थी कि फंक्शंस कंपोनेंट्स एक ही चीज है, बस यहां पर वो जो है एज एन कंपोनेंट्स कहला रहे होते हैं हमारे पास। यहां पर मैं बना रहा हूं अपना कंपोनेंट, फंक्शन अब मैं नहीं कहूंगा इसको, कंपोनेंट। और इसका नाम रखते हैं हम लोग आकर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग सिंपल है, पेरेंट्स कोई चीज नहीं है। और यहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, रिटर्न जरूर करवाएंगे, रिटर्न। अब ये क्या चीज होती है, हमारी रिएक्ट के अंदर जो है ना ये रूल है हमेशा कि आप जब अपना एक कंपोनेंट बनाते हो ना, आप हमेशा उसको उसके अंदर कोई चीज रिटर्न फिर करवा रहे होते हो। लाइक मैं ये काम नहीं कर सकता, h1 का टैग और हेलो और उसके बाद उसकी इसी के अंदर हाउ आर यू कर देते हैं, ये मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरा काम नहीं करेगा। मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इसके साथ में रिटर्न भी एक ऐड करना पड़ेगा। इससे ये होता है कि यार हमारा एक कंपोनेंट था ग्रीटिंग्स के नाम से जो हमारी जेएसएक्स को रिटर्न करवा रहा है, और हमारी जेएसएक्स में क्या लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू, सही है। तो रिटर्न करवाना जरूरी है हमारे लिए, पहला रूल इसका ये है, ठीक है। मैं इसके लिए आपके लिए ऊपर रूल लिख देता हूं, ऑलवेज रिटर्न जेएसएक्स, पहला इसका रूल, सही है, कि रिटर्न आपने जरूर करवाना है। अब यहां तक बात होगी हमारी। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना हेलो वर्ड में, जो मैंने ऐसे स्टैटिकली लिख दिया था हेलो वर्ड, इसको भी मैं एंड करूंगा यहाँ पे आके। अब बात करते हैं कि हमारा जब कंपोनेंट बन जाता है, एक मेरा कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है, कौन सा कंपोनेंट है वो, ग्रीटिंग, बस उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। अब बात करते हैं हमें कंपोनेंट को कॉल किस तरह से करवाना है। हम लोग हमेशा अपने कंपोनेंट को कॉल करवा रहे होते हैं एज एन टैग, वरना हम लोग पहले क्या काम करते हैं, अपने फंक्शन को कुछ ऐसे कॉल करवा रहे होते थे, ग्रीटिंग्स कुछ ये हमारे फंक्शन ऐसे कॉल होते थे। बट यहाँ पे ये एज एन कंपोनेंट काम कर रहा है, एज एन कह लो जेएसएक्स काम कर रहा है, स्ट्रक्चर काम कर रहा है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग कॉल करवा देते हैं फिर एज एन टैग आकर, कैसे, मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, ग्रीटिंग्स और कुछ ये, समझ आ गई, हम लोग ये काम कर, और इसको ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका, वो तो मैंने उसको सेल्फ क्लोज कर दिया, वो एक ही बात हो जाती है, सही है। तो बस हमने क्या काम किया, अपने ग्रीटिंग्स कंपोनेंट को जो है ना कॉल करवा दिया हुआ है यहाँ पे आके। बट मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट लगता है, अच्छा लगता है ये बनाने में, सही है। ये हो गया, सेव करके अगर हम लोग आए अब अपने ब्राउजर में, हेलो हाउ आर यू सिंपल वैसे काम कर रहा है हमारा, बट अब सीन कुछ ये है कि अब डायनेमिकली डेटा आ रहा है एक कंपोनेंट के अंदर, हमने उस कंपोनेंट को बनाया, उसके बाद उस कंपोनेंट को आगे हमने कॉल करवा दिया हुआ है। कॉल की समझ आए कैसे करवाने हम लोगों ने, एज एन टैग कॉल करवा देना हम लोगों ने यहाँ पे आके। यहां तक हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है, इसका एक रूल तो ये हो गया, दूसरा रूल ये होगा कि कॉल एज एन टैग, एज एन एचटीएमएल टैग, सही है। एक तो ये हो चुकी बात चीज होगी हमारे पास। अब हमारे पास क्या सीन होता है, हम लोग जो है ना अपने नेस्टेड कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। अब ये नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या चीज होती है, कह सकते हैं जैसे हम लोगों ने अपनी यूएल और ओएल की क्लास में देखा था ये चीज कि एलआई के अंदर और एलआई ऐड कर दो, यूएल के अंदर और यूएल ऐड कर दो, हमने ये चीज की चीजें देखी, नेस्ट कर दिया था हमने उस चीज को, चाइल्ड बना दिए थे। अब यहाँ पे क्या सीन है, हम लोग कुछ वैसे ही काम कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के अंदर कॉल करवा सकते हैं। कॉल हमेशा हमारा कुछ ऐसे ही होने वाला है एज एन टैग। अब मैं यहाँ पे आके क्या काम कर रहा हूँ, एक और अपना फंक्शन बना रहा हूँ, कंपोनेंट बना रहा हूं, एक और अपना कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि करेगा मॉर्निंग, सही है, पैराम्स कुछ भी नहीं लेकिन रिटर्न जरूर है, बिकॉज़ हमें ऊपर इसका रूल चेक कर लिया, रिटर्न जरूर होने वाला है। और इस बार इसको क्या बोलते हैं, एक पी का टैग दे देते हैं यहां पे आके, एक पी का टैग, और इस पी के टैग के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, गुड मॉर्निंग हारिस, ठीक है, गुड मॉर्निंग हारिस हमने यहाँ पे आके कर दिया। और इस टाइम पे ये जो चेक करो मॉर्निंग लाइट्स है, मतलब ये कहीं पर यूज नहीं हो रहा है इस टाइम पे आके। अब या तो मैं ग्रीटिंग्स यूज कर लूं यहाँ पे आके, या फिर मैं मॉर्निंग यूज कर लूं, अब मैं मॉर्निंग यूज कर रहा हूँ, मॉर्निंग कुछ ये, सेव ब्राउजर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, रिलोड हो रहा है, गुड मॉर्निंग हारिस सबको दिख रहा होगा,
क्लियर सब को यहाँ तक आके, अब ये मैं इसको तो वैसे ही रखूंगा, मैं अब यहाँ पे आके ये काम करने वाला हूँ, मैं नेस्ट करना चाह रहा हूँ इन सब चीजों को, दो कंपोनेंट से सेपरेट कंपोनेंट, मैं दोनों को एक साथ कॉल कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। मैं क्या काम करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाते हैं फंक्शन एक और इसका इस बार नाम लिख देते हैं होल ग्रीटिंग या कुछ भी इस तरह का, होल ग्रीटिंग या मॉर्निंग ग्रीटिंग इसका नाम रख लेते हैं यार, मॉर्निंग ग्रीटिंग, पैरामीटर्स कुछ भी नहीं, रिटर्न करवाओ इसको, क्या मैं अब इसको रिटर्न क्या करवाऊंगा, मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा मेरा ये ग्रीटिंग्स वाला कंपोनेंट पूरा। आप कंपोनेंट बनाकर उसको किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो है रिटर्न करवा सकते हो, कॉल करवा सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है, कुछ ऐसे ये काम आप लोग कर सकते हो। सही हो गया यहाँ तक आके। अब अगर मैं ये जो रूट डॉट रेंडर है, मैं तो हमारा रूट डॉट रेंडर ही है ना यहाँ पे आके, मैं रूट डॉट रेंडर की जगह क्या कॉल करवाने वाला हूँ यहाँ पे, मॉर्निंग ग्रीटिंग में यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ। लेट सपोज कुछ ऐसे कॉल करवा दिया, ब्राउजर में आ जाना मेरे पास कुछ ग्रीटिंग्स वाला, हेलो हाउ आर यू आना चाहिए, सही है, चेक कर लो, मैंने एक तरह का साइकिल बनाया उसका पूरा प्रॉपर, कैसे एक ग्रीटिंग्स बनाया, वो ग्रीटिंग्स कॉल हो रहा है मॉर्निंग ग्रीटिंग में और मॉर्निंग ग्रीटिंग आगे रेंडर हो रहा है मेरे वेब पेज में जाकर। यहाँ तक क्लियर है सबको आकर, कोई मसला यहाँ तक आगे किसी को भी। अब इसका एक रूल और आने वाला है हमारे पास कि यार मुझे जो है ना ये काम करना है गुड, ये भी एक चीज आ गई, हेलो हाउ आर यू, सही है, ये चीज आ रही है मेरे ब्राउजर में, मुझे इसके नीचे ही लिखना है ये वाला गुड मॉर्निंग हारिस, मुझे इसके नीचे जो है ये भी चीज लिखनी है। तो अच्छा ये काम कर देते हैं, इसको लिख देते हैं गुड मॉर्निंग हारिस, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा लिखना चाहिए ना, गुड मॉर्निंग हारिस इसको लिखते हैं और इसको लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू, तो मसला इसमें सिंपल, बस मैंने अपना कंटेंट चेंज किया है, टैग मेरी वैसी है, कंपनीज मेरी वैसी रह रहे हैं यहाँ पे आके, सिर्फ अपना कंटेंट चेंज किया है। तो ब्राउजर में अब आएगा मेरा गुड मॉर्निंग हारिस, मुझे लिखना है यहाँ पे गुड मॉर्निंग हारिस, सही है, ब्राउजर में आने वाला मेरे पास गुड मॉर्निंग हारिस और ये यहाँ पे आके आगे कॉल हो रहा है। अब मैं इस जो हेलो हाउ आर यू है ना इसको भी आगे मेरे ब्राउजर में शो करवाना चाह रहा हूँ। आप लोग कहोगे यार यहाँ पे आके अपने इस मॉर्निंग को भी कॉल करवा दो फिर, क्योंकि मैं तो नेस्ट किया हुआ है ना, मैं मॉर्निंग ग्रीटिंग में इन दोनों को कॉल करवा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। बट अब आता है आगे इसका एक और रूल, लेट सपोज मैं इसको कॉल करवा देता हूँ और क्या नाम है इसका, मॉर्निंग, अब मुझे मॉर्निंग को कॉल करवाना है, मॉर्निंग और कुछ ये सेव, ये एरर आ गया। और अब आप लोग जाओगे अपने ब्राउजर में, रिएक्ट में ये बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने हमें बहुत ही जो है ना स्पेसिफाई करके एरर दिया हुआ है कि यार आपका एरर है क्या। अगर आप लोग एरर को गौर से पढ़ो आपका 70% काम हल हो जाता है। एरर पढ़ोगे आप, क्या एरर आ रहा है, adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? चलो fragment के बारे में मैंने बात नहीं की अभी तक, but इस line को ही समझो फिलहाल। Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. कुछ ऐसे ही बात है कि यार आप अगर multiple चीजें return करवा रहे हो, उन सभी का एक common parent wrapped in an enclosing tag, ठीक है? तो अगर आपके पास ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, आप ये काम कर सकते हो, एक div बना लो अपना, ठीक है? और उस div के अंदर दोनों को कॉल करो, कंट्रोल एक्स कर रहा हूं यहां पे आके, और इसको मैं पेस्ट करूंगा यहां पे आके। अब देखो कि आप मेरा एरर खत्म हो चुका है, ये इसको भी हटा देंगे, सही है? अब मेरा एरर खत्म हो चुका है, सेव किया, और अब अगर मैं आता हूं मेरे ब्राउजर में तो आ रहा है मेरे पास गुड मॉर्निंग हारिस, हेलो हाउ आर यू, समझ आ गई? तो ये आता है हमारे पास इसका एक तीसरा रूल, और वो रूल क्या है, Always return only one child. हमेशा सिर्फ आपने एक child return करवाना है, multiple child आप return नहीं करवा सकते। हाँ, एक component कह सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी आप चेक करो, सिर्फ एक चीज return हो रही है। मैं यहाँ पे आके कोई और चीज return नहीं करवा सकता। Let's suppose मैं यहाँ पे आके greeting नहीं कर सकता, वो वापस मुझे वही error दे देगा, चेक कर लो, ठीक है? तो अगर मुझे मल्टीपल यहाँ पर कॉल करवाने हैं, मुझे इसको भी एक पेरेंट देना पड़ेगा, कॉमन पेरेंट। तो मेनली हम लोग ये काम करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा रूट और रेंडर है इसको सिर्फ एक ही चीज देते हैं, उससे पहले हम लोग सारा उसका पेरेंट वगैरह सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके कुछ वही काम किया है, अपना ये जो है ना डिव को एक पेरेंट बना दिया उसका, और उसके अंदर जो है ना मैं मल्टीपल चीजों को रिटर्न करवा रहा हूँ, एज इन कंपोनेंट्स जो है मैं उन चीजों को कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे आके। तो ये उसके तीन हमने रूल्स चेक किए हैं यहाँ पे आके, इसमें कोई मसला पहले तो बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक आके? ठीक है, यहाँ तक आके हम सबको क्लियर है। अब अगली चीज के ऊपर आते हैं। अब ये जो चीज है ना डिव, अब मैं थोड़ी उसकी उस फ्रेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो हमें वो एरर आया था, आगे फ्रेगमेंट की बात कर रहा था। इसको हम डुप्लीकेट कर दें, रूट और रेंडर को, और उसमें दोबारा दूसरे को कॉल करा दें।
ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा होता सिंपली ये है कि आप एक बार उसको रेंडर करवा रहे होते हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा लगे कि हमारा काम भी कर जाएगा, बट ये करना नहीं है हमें। वो हमारा जो है ना, कह लो हमारा जो SEO सर्च इंजन है हमारा, जो वो चेक करेगा कि यार इसकी इस एप्लीकेशन में रिटर्न कौन सी चीज हो रही है और रेंडर कौन सी चीज हो रही है। वो इन दोनों को जब देखेगा कि यार दो रेंडर हैं, वो किसको रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो रूट हमारा हमेशा एक कॉमन होता है, उसके अलावा कोई रूट नहीं होने वाला हमारा, सही है। ओके जी, तो ये समझ समझ आ चुकी है कि यार हम लोग से हमेशा सिर्फ अपने एक ही चीज एलिमेंट को रिटर्न करवाते हैं। या इसको मैं ये भी लिखता हूँ, ऑलवेज रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, ऑलवेज रैप्ड इन एन एनक्लोजिंग टैग, सही है, ये चीज है। तो इसके कुछ रूल्स है हमारे पास यहाँ पे। अब ये डिव है हमारे पास, मैंने अपना एक डिव बना दिया, एक पेरेंट बना दिया है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप इसको जो मर्जी बना दो, हाँ एच वन ना बना देना, फिर वो सारा एज एन हेडिंग आ जाएगा हमारे पास, समझ आ गई। जैसे कि ये अगर मैं इसको एच वन सभी का पेरेंट बना देता हूँ तो पूरा का पूरा मेरे पास एज एन हेडिंग आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपने पेरेंट हमेशा आप उसी को बनाना है या जिसका आपको पता हो कि वो एक सिमेंटिक टैग है और ऐसे बस वो अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके अलावा कोई उसका फीचर नहीं है। स्पैन यूज कर सके, फिर मसला ये आएगा कि सारा एक रो में आ जाएगा, मसला वहां पर भी है। डिव ठीक है, सेक्शन का टैग ठीक है, बट इन सबसे ज्यादा बेहतर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है फ्रेगमेंट। वो पूरी अपनी लाइन अगर पढ़ी तो एंड पे आ रहा था, डू यू वॉन्ट टू यूज अ फ्रेगमेंट। अब फ्रेगमेंट की बात करते हैं। फ्रेगमेंट क्या चीज होती है? फ्रेगमेंट होता है हमारे पास रिएक्ट के अंदर ही ऑटोमेटिकली वो आपको एक इनक्लोजिंग टैग देता है। रिएक्ट आपको ऑटोमेटिकली एक इनक्लोजिंग टैग देता है और वो क्या होता है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, कुछ ये रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। तो ये भी आपका वैसे ही काम करेगा जैसे आपका डिव काम कर रहा है। तो ये भी उसका एक कॉमन पेरेंट बन चुका है, ये एक से काम कर जाएगा। नहीं नहीं, मैंने मैं पहले यहाँ पे डिव लिखा हुआ था, मैंने उसको रिमूव कर दिया। नहीं, वो लिखा हुआ था डायरेक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, उस पर भी आता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है फ्रेगमेंट हमारे पास, यही मींस एक पेरेंट हो चुका है। और पास लोग इसको कुछ ये भी लिखते हैं, खाली सिर्फ एम्प्टी अगर टैग लिख दोगे ये भी आपकी फ्रेगमेंट ही है, समझ आ गई, ये सही है। मोस्टली जो है वो लोग यही यूज करते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, और या फिर मैं इसको रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट कर रहा हूँ यार, React dot fragment कर देते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ओके जी, एक ये चीज हमारे पास कुछ हो चुकी है। अब जरा से हम लोग बात करने वाले हैं अपनी CSS की। एचटीएमएल की समझ आ गई, किस तरह से हमने HTML के अंदर लिखनी है सारी, ओके। हमेशा एक पेरेंट रिटर्न होगा, हमेशा हमने क्या काम करना है, रिटर्न जरूर लिखना है उसके साथ रहकर, और हमेशा उसको कॉल करवाना है एज एन टैग। दो तीन रूल्स मैंने आपको बस बताया यहाँ पे आके। अब इसकी CSS के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इसकी इनलाइन CSS के ऊपर आते हैं। इनलाइन CSS में क्या होता है, इनलाइन CSS में होता यह था कि हम लोग अपने स्टाइल टैग को एज एन एट्रीब्यूट ऐड कर देते थे। HTML में हम लोग क्या काम करते थे, स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट ऐड करते थे और फिर उसको आगे प्रॉपर्टीज दे देते थे, कुछ ऐसे काम होता था। अब आता है इसका एक और रूल, वो क्या है कि ऑलवेज यूज एट्रीब्यूट्स इन कैमल केस। कैमल केस यूज होता है, और मैंने आपको कैमल के ऊपर मैंने एक अच्छा अच्छी खासी आपको कहानी सुनाई हुई है कि कैमल केस चीज क्या और हमने क्यों ये यूज करना है, सही है। यहाँ पे उन्होंने हमें मस्ट कर दिया कि भाई कैमल केस ही यूज करना है और यूज ही नहीं कर सकते आप लोग, सही है। नहीं होगा ना आपका। अब देखें सीन कुछ ये है कि मैंने यहाँ पे एक रूल बताया कि यार ऑलवेज यूज एट्रीब्यूट्स इन कैमल केस, ठीक है। तो लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे और ये जो गुड मॉर्निंग हारिस लिखा हुआ है इसको ये चीज देते हैं, इसको मैं एक स्टाइल देता हूँ। और मैं पहले आपको पूरा इसका बता देता हूँ कि हम लोग पहले क्या लिखते थे। पहले हम लोग कुछ ये काम कर रहे होते थे ऐसे ही है, और हम लोग कहते लेट सपोज फॉन्ट साइज है, फॉन्ट माइनस साइज कॉलन करके लेट सपोज 2 रैम, ये कुछ काम हो रहा होता था पहले सिंपल HTML के अंदर। बट अब ये कुछ ये काम नहीं होता, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे आके। अब किस तरह से काम होता है, अब आपका काम होगा कुछ इस तरह से, स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब सीन कुछ ये है कि आपने अगर अपनी इनलाइन स्टाइल देना है ना, तो आपको अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को एज एन ऑब्जेक्ट्स पास करना है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, देखे होंगे क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली एक की एक उसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इसकी CSS देनी है ना, मैं क्या काम करूंगा, मैं एक की दूंगा इसकी, एक उसकी वैल्यू दूंगा। अब की क्या होने वाली है,
एग्जैक्टली की उसकी प्रॉपर्टी होगी और आगे उसकी वैल्यू होगी कि उसको कौन सा कलर देना है. लेट्स सपोज अब मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, मैं इसको पहले की दूंगा. अच्छा अब एक और चीज है, हम लोग यहाँ पे आके डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे. अब डबल कर्ली ब्रेसेस और सिंगल कर्ली ब्रेसेस का क्या सीन होता है? सिंगल कर्ली ब्रेसेस अगर हम लोग आकर यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा यार डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, शायद याद हो, कंकैट करता था. हम लोग साथ में अपनी अपनी जो है स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, फिर साथ में अपना नंबर भी डायनामिकली कहीं से लेकर आ सकते हैं. ये कुछ ये काम कर रहा था. या फिर डॉलर हट चुका है, लेकिन ये जो कर्ली ब्रेसेस सिंगल कर्ली ब्रेसेस है ना, इसका काम वही है कि आप जो हो एज एन वेरिएबल या कह लो कि एज एन इसको डायनामिकली कहीं से लेकर आ सकते हो इस चीज को. लेट्स सपोज यहाँ पे आके मेरे पास कोई चीज पड़ी हो सकती है और मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे रखते हैं. इस गुड मॉर्निंग हारिस को मैं डायनामिकली लिखने लगा हूं. अब इसको स्टोर करवाएंगे हम लोग अपने एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट माय ग्रीटिंग इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग. और क्या लिखा होता? गुड मॉर्निंग हारिस, गुड मॉर्निंग हारिस. एक वेरिएबल है माय ग्रीटिंग जिसकी वैल्यू है गुड मॉर्निंग हारिस, यहां कोई मसला इसमें. अब हमारे पास क्या होता है, एक और रूल आता है इसका, ऑलवेज कॉल वेरिएबल्स इन कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, ऑलवेज कॉल वेरिएबल, या फिर इसको डायनामिक डेटा भी कहा जा सकता है. डायनामिक डेटा, सही है, इसको डायनामिक डेटा भी कहा जा सकता है. ऑलवेज कॉल वेरिएबल, वेरिएबल डायनामिक डेटा इन कर्ली ब्रेसेस. तो अगर हम लोग सिंगल कर्ली ब्रेसेस अपनी ऐड करते हैं, उसका ये मतलब होता है कि यार ये आपका पहले कहीं पर बना हुआ है, आप उसको एक्सेस करो या पे आके कॉल करवा रहे हो. ठीक है, तो इस लिखा गया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मुझे यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस अपनी लिखनी पड़ेगी. ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? माय ग्रीटिंग्स. एग्जैक्टली, माय ग्रीटिंग्स. सेव करके अब अगर आते हैं ब्राउजर में, सीन कुछ वैसे ही है, पे काम तो हमारा कर रहा है. लेकिन अब आप लोगों ने एक चीज देखी यार, मैं इसी के अंदर रहकर अपनी एचटीएमएल लिख पा रहा हूं और जेएस भी लिख पा रहा हूं. ये है हमारी क्या, जेएसएक्स. जेएसएक्स ये चीज है हमारे पास. यहाँ पे हमने बात की थी कि जेएस क्या चीज है, जावास्क्रिप्ट है. एचटीएमएल क्या चीज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. बट जेएसएक्स क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. क्या आप अपनी जेएस के अंदर ही रहकर अपनी एचटीएमएल भी लिख सकते हो, अपनी जेएस को भी लिख सकते हो. जेएस किस तरह से लिखनी है हमने? कर्ली ब्रेसेस ऐड करके. ठीक है, और एचटीएमएल लिखनी है, सिंपल टैग्स लगाओ और क्या करना है. समझ आ गई? ओके, यहां तक आगे सबको कदस नहीं क्लियर? क्या क्लियर नहीं बताओ. अच्छा, अब सीन कुछ ये है, ये से मिली चीज है हमारे पास, हमारी जेएसएक्स. इसको मैं बोल रहा हूं मेरा जेएसएक्स. अब जेएसएक्स होती क्या है हमारे पास यहाँ पे आके? जेएसएक्स होती है जेएसएक्स विच रिटर्न्स एचटीएमएल एंड जेएस. ठीक है, बोथ. तो हमारे पास जेएसएक्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारी एचटीएमएल और हमारी जेएस दोनों को एक साथ रन कर सकती है, रेंडर कर सकती है. किस तरह से? हमने अगर लगा दिया अपना ये रिटर्न, यहाँ पे आके हम लोग क्या काम कर सकते हैं? अपना पूरा का पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं. लेकिन हाँ, एक रूल ये है कि पेरेंट होना चाहिए उनका, एक कॉमन इनक्लोजिंग टैग ऊपरी, ये भी एक रूल है ना हमारे पास यहाँ पे, एक पेरेंट जरूर होना चाहिए. जब वो हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हो? अपना कोई भी ना स्टैटिकली डेटा लिख सकते, जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो गुड मॉर्निंग हारिस, स्टैटिक लिखा हुआ था. बट आप लोग क्या काम कर सकते हो? इसको डायनामिकली भी लिख सकते हो, एज इन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ, उस वेरिएबल को यहाँ पे आके कॉल करवा दो. हमने कुछ यही काम किया, अपने उसी वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाया माय ग्रीटिंग के नाम से, और उसमें क्या उसको वैल्यू क्या दे दी है? गुड मॉर्निंग हारिस की. मैं आगे जाकर अपने उस वेरिएबल माय ग्रीटिंग को कॉल करवा रहा हूं, बस यहां पे आके अपने टैग के अंदर कुछ इस तरह से. लेकिन आप लोग ये चीज चेक करो, अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस ऐड नहीं करता, वो फिर क्या काम करेगा? वो फिर इसको रन करेगा एज एन एचटीएमएल, मेरी माय ग्रीटिंग मेरे पास ऐसे आ जाएगा. अगर मैं मेरी कर्ली ब्रेसेस ऐड नहीं करता, डन हो गया. बट अगर मैं ऐड करता हूं मेरी कर्ली ब्रेसेस, फिर वो उसको डायनामिकली एक्सेस करेगा. मींस अगर उसके पास कोई जेएस होगी तो वो उसको एक्सेस कर रहा होगा. और अगर मैं अपने इस वेरिएबल को कमिट कर देता हूं, तो प्रॉपर जेएस वाला हमें एरर भी आ रहा होगा, माइग्रेटिंग इज नॉट डिफाइंड. समझ आ गई हम सबको? ठीक है, तो क्या सीन है? हमारी एचटीएमएल, हमारी जेएस दोनों एक साथ काम कर सकती है कुछ इस तरह से रहकर. इसको क्या बोला जाता है? JSX, JavaScript XML, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है.
JSX क्या चीज होती है, JSX ये चीज होती है। ओके ठीक है, नहीं टैग इक्वल नहीं होता, टैग स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बनेगा। अब ये एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने भी आपसे बात की कि यार कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना आप लोग अपनी किसी भी तरह की जेएस ऐड कर सकते हो, मैंने ये बात की अभी आप लोगों से, लेकिन ये आप काम नहीं कर सकते इसके अंदर आकर लेट कर दो ए इज इक्वल टू 12 है तो ये भी जेएस ही ना मेरी है, तो ये भी मेरी जावास्क्रिप्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है मेरी, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आके सेव करेंगे, एरर चेक कर लो क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व्ड कीवर्ड लेट, उसको नहीं मिल रहा ये चीज। अब ये क्या सीन हो गया हमारी, अगर हम लोग अपनी JSX के अंदर रहकर, कह लो कि रिटर्न के अंदर रहकर, अगर हम लोग अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ना कोई वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं वो हम लोग नहीं बना सकते, कोई फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं वो हम लोग नहीं बना सकते, इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते हम लोग यहाँ पे आके, ऐसा का कुछ काम नहीं कर सकते। हमेशा हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ वो काम कर सकते हैं, वो चीज रेंडर कर सकते हैं जो कोई ना कोई रिटर्न करवा रही हो। मैं ये काम कर सकता हूँ 8 × 9, ये कुछ रिटर्न होगा 8 × 9 जो भी होता है, सेव किया ब्राउजर में आएंगे आ जाएगा हमारे पास, रिलोड किया इसको 72 आ गया, ये एक चीज रिटर्न हो रही है हमारे पास यहाँ पे आके। बट क्या लेट नेम इज इक्वल टू अहमद, ये कोई चीज रिटर्न हो रही है, नहीं हो रही है यहाँ पे आके। तो क्या सीन है, अपनी JSX के अंदर रहकर आप हमेशा करी बेस से लगाकर सिर्फ वो चीज रेंडर कर सकते हो जो कुछ रिटर्न करवा रही हो, जो कोई चीज रिटर्न नहीं करवा रही आप उसको रेंडर नहीं कर सकते हो। ये लेट नेम इज इक्वल टू अहमद मैं अपने रिटर्न से पहले जरूर कर सकता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू अहमद मैं वहां पे आके ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये प्योर जेस हो जाएगी मेरी। बट मैं इनको नीचे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज़ कर्ली ब्रेसेस में क्या चीज ऐड करनी है, जो कोई चीज रिटर्न जरूर करवा रही हो। ओके यहां तक आके, तो अगर मैं यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ मेरे इस वेरिएबल नेम को, तो नेम मेरा कुछ रिटर्न करवा रहा है, क्या रिटर्न करवा रहा है, अहमद रिटर्न करवा रहा है, तो मुझे ब्राउजर में मिलना चाहिए अहमद यहाँ पे कुछ इस तरह से, बाउंसर समझ आ गई सबको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इसको मैं वापस रख रहा हूँ माय ग्रीटिंग के नाम से, माय ग्रीटिंग, और मैंने जो अपने 2-3 वेरिएबल बना दिए मैं इनको खत्म कर दूंगा यहाँ पे आके। अच्छा, हम लोगों ने बात की है लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स सारे के सारे, हमने बात की है, गैस इसके बारे में सबको आइडिया होगा लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या होते थे, क्या हुआ एग्जैक्टली, वो हमारे होते थे ग्लोबल वेरिएबल्स। अब सीन कुछ ये है कि माय ग्रीटिंग, मुझे ये बताएं कि ये लोकल है ग्लोबल है, गुड हमजा, ये हमारा लोकल वेरिएबल है बिकॉज ये सिर्फ इस कंपोनेंट के अंदर है, कह लो इसी फंक्शन के अंदर है, बट अगर मैं इसको यहां पर रख लेता तो अभी ग्लोबल बन गया, काम दोनों तरीके से कर रहा है, बट पहले लोकल था अभी ग्लोबल बन चुका है यहाँ पे आके, समझ आ गई सबको। तो जेएस एचटीएमएल साथ साथ कुछ हिस्सा से काम कर रही है हमारी, पहले हम लोग क्या काम करते हैं अपनी सिंपल एचटीएमएल के अंदर स्टैटिकली सारा डेटा ऐड कर रहे थे, अब ऐसा हमने नहीं काम करना, अब हमारा डेटा डायनामिकली आ रहा होगा, क्या बात है, किसे ऑन किया, सुनना तो बाहर आके सुनना है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या चीज है, अब हम लोग जो है अपनी जेएस और एचटीएमएल को एक साथ कुछ इस तरह से रेंडर कर सकते हैं। खैर, अब वापस आते हैं अपने उसी स्टाइल के ऊपर, हम लोग स्टाइल देने वाले थे जिस पर मैंने एक पूरी कहानी सुना दी आप लोगों को। स्टाइल क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि यार आप लोग हमेशा क्या काम करोगे, ऑलवेज यूज एट्रीब्यूट्स इन कैमल केस, और उसके बाद हमने एक और चीज देखी, इसको वापस से मैं कमेंट कर रहा हूं, ऊपर वाले को अनकमेंट करते हैं, ठीक है। ये स्टैटिकली गुड मॉर्निंग हारिस लिखा हुआ है, पहले डायनामिकली लिखा हुआ था, अब स्टैटिकली लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहले सिंपल एचटीएमएल में हम लोग क्या काम करते थे, कुछ ये काम करते थे, फॉन्ट साइज इक्वल टू 2 रैम, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा कुछ ये डबल कर्ली ब्रेसेस, अपनी सिंगल कर्ली ब्रेसेस मैंने भी आपको बताया क्यों नहीं लगानी हमने, बिकॉज़ उसका ये मतलब है कि कोई चीज आप कॉल करवा रहे हो यहाँ पे आके, जो कोई चीज रिटर्न हो रही है, डबल कर्ली ब्रेसेस का मतलब है कि यार आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करने वाले हो अभी, ठीक है, समझ आएगी सबको। तो डबल कर्ली ब्रेसेस अगर हमने अपने इनलाइन स्टाइल देना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी डबल कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे यहाँ पे आके, और डबल कर्ली ब्रेसेस में हम लोग किस तरह से अपनी स्टाइल सीएसएस देंगे, एज एन ऑब्जेक्ट मीन की उसकी वैल्यू। तो मैं करूंगा कुछ हिस्सा से, ये चेक करो, उसने मुझे सजेस्ट नीचे कैसे किया है, सारा सारा हमारा VS Code हमें कुछ सजेस्ट भी वैसे ही कर रहा है, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट पूरा स्मॉल, फैमिली का F कैपिटल, कैमल केस हमारे पास यहाँ पे आके। तो मैं करूंगा फॉन्ट साइज मेरा कुछ इस तरह से, ये होगी मेरी की उसकी, आगे कॉलन करके उसकी वैल्यू, ऐसे ही है वैल्यू उसकी, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ क्या 2 रैम, सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे तो अब इसका जो है ना साइज बढ़ जाना चाहिए, आई गेस 2 रैम उसका बाय डिफॉल्ट ही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 4 रैम तक कर देते हैं यहाँ पे आके, सेव ब्राउजर, रिलोड किया इसको एक बार आकर 4 रैम हमारा यहाँ पे साइज हो चुका है इसका, ठीक है। तो अगर आपने अपना स्टाइल ऐड करना है, कुछ हिसाब से आप लोग अपना स्टाइल ऐड करोगे, इनलाइन स्टाइल की बात कर रहा हूं मैं, और वापस अगर मल्टीपल ऐड करने हैं
ऑब्जेक्ट की तरीके ऐड करेंगे, मीन्स कॉमा लगता था ऑब्जेक्ट में, आ गया हमारे पास एक वैल्यू, एक की और उसकी वैल्यू होगी, फिर कॉमा, अगली बैकग्राउंड कलर दे दो इसको, मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पूरा स्मॉल, कलर का सी कैपिटल कैमल केस, बैकग्राउंड कलर रेड, कुछ इस तरह से, सेम ब्राउजर रेड मिल जाएगा इस चीज को आकर, कुछ इस तरह से, इनला साल हमने कुछ हिस्सा से देना अपना, समझ आ गई फिजान? ओके चलें जी, तो इसको कलर भी एक दे देते हैं, कलर ये कलर में मैं सिंपल अपना पूरा कलर स्मॉल में, बिकॉज इसके अंदर दो वर्ड्स हैं ही नहीं, कैमल केस हमारा होता ही यही था कि अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो पहला पूरा वर्ड स्मॉल होगा, हर वर्ड अगले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, कैमल केस यही होता था ना। तो ये कलर कुछ हिस्सा से इसको मैं कर दूंगा #FFF व्हाइट, सेव ब्राउजर, तो अब हमारे पास कुछ हिस्सा से काम कर जाएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको आकर? एचटीएमएल सीएसएस जेएसएक्स ठीक है, यहाँ तक हमें जो है ये चीज क्लियर हो चुकी है, बट मैं जो है ना ये चीज रेकमेंड नहीं करता, बट आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यार इनला शाला आपने देना किस्सा है, एक दो प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ जाती है बाजू का, तो आप लोग कुछ इस तरह से ये काम कर सकते हो कि क्या काम करो, अपना स्टाइल एज एन ऑब्जेक्ट ऐड कर दो और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको ऐड कर देते हो, यहाँ तक आके क्लियर सबको, यहाँ तक आके अब अगली बात के ऊपर आते हैं। अच्छा अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी एक एक्सटेंशन ब्राउजर की इंस्टॉल करो, ब्राउजर की भी और वीएस कोड की भी, और वो आपकी एक्सटेंशन होने वाली है ES6 और ES7, दो एक्सटेंशन है ES6 और ES7 ECMAScript, ES7 और React Redux, इधर पड़ा होगा ये React Redux, ये वाली मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और आपने बस इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। अब हमने इंस्टॉल क्यों करनी है, पहली बात ये हमने इंस्टॉल करनी है बिकॉज हम लोग चाहते हैं अब अपना जो है ना पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर, और हम लोग जो है ना अब छोटी छोटी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, हमें पता है यार कंपोनेंट्स एज एन फंक्शन काम कर रहे हैं जो कि एक चीज रिटर्न भी करवा रहे हैं, बस हमें इन सब चीजों का आइडिया है। हम लोग अब अगर आपके पास वो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद आप लोग सिंपल क्या काम कर सकते हो, आप लोग सिंपल लिखो अपना RFC, RFC का मतलब React Functional Component, और एंटर करो, आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर कुछ हिस्सा से बना कर दे देगा वो, उसका एक फंक्शन इंडेक्स जो भी उसका होगा आपका, और आगे पूरा रिटर्न करा रहा होगा एक स्ट्रक्चर आपका, पूरा प्रॉपर करते के दे देगा, शॉर्टकट है बस आप लोगों का। अब सीन कुछ ये है यार कि इसको मैं पहले हटा देता हूं, यहां पे आके हम लोग ये चीज तो देख ली यार कि हम लोग जो है अपना हमारा हमारी जो पूरी पूरी एक एप्लीकेशन है वो रेंडर हो रही है इस index.js की फाइल के अंदर, बट ऑब्वियस है मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन को इस फाइल के अंदर तो रेंडर नहीं ना करूंगा, कोड तो मेरा सेपरेट स्प्लिट हो रहा होगा, हम लोग जो React को यूज इसलिए करें कि हमारे कोड को स्प्लिट कर सके हम लोग, ठीक है, तोड़ सके अपने कोड को, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसी के अंदर सारा अपना कोड ऐड करता हूं तो उसका तो फायदा नहीं है कोई, वो तो फिर वही मेरी HTML CSS ही होगी ना सारी, ऐसे ही है। मुझे कोई इस तरह से काम करना है, मल्टीपल कंपोनेंट्स मल्टीपल फाइल्स, बट वो मैं ये काम कर सकता हूँ उनको मल्टीपल जगहों पर आगे कॉल करवा सकता हूँ, ये मैं जरूर काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये चीज है ग्रीटिंग्स और मॉर्निंग, मेरे पास ब्राउजर में आ रहा है ग्रीटिंग, पहले गुड मॉर्निंग, फिर हेलो हाउ आर यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। मैं सिंपल अगर कंट्रोल डी करूँ, आपको पता मेरा शॉर्टकट है कंट्रोल डी, जितनी बार करोगे उतनी बार ये वाला मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा और उतनी बार मेरे पास ये चीज आ जाएगी। जैसे हमारे फंक्शंस काम कर रहे होते थे, फंक्शन यही काम करते थे, लॉजिक बनाओ कॉल करवाओ, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार वो लॉजिक आपका रन हो जाएगा। ये भी मेरा एक फंक्शन है जिसको कंपोनेंट कहा जा रहा है, यहाँ पे आके कंपोनेंट बन गया, उसको मल्टीपल टाइम कॉल करवाया, वो उतनी बार यहाँ पे आके रन हो चुका है ब्राउजर में, हमें उतनी ही बार चीज शो हो चुकी है। ऑब्वियस है एक कंपोनेंट हमारा सेम टाइम पर बार बार रन नहीं हो रहा होगा, ये हो सकता है किसी और पेज पर मैं इसी कंपोनेंट को कॉल करवाना चाहूँ, तो मैं वहां पर आकर ये चीज यूज करूंगा, सिर्फ उसको कॉल करवाऊंगा, पूरा अपना कोड नहीं छाप दूंगा यहाँ पे आके, समझ आ गई सबको, सिर्फ अपने कंपोनेंट को कॉल करवा दूंगा वहां पे जाकर। ये कब जैसे हमारी नैव बार है, नैव बार अगर हमारे पास 10 पेजेस हैं, क्या मैं अगर हमारे पास सिंपल एचटीएमएल सीएसएस होती, हमें उस 10 पेजेस के अंदर अपनी उसी नैव बार के कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ना था, ऐसी है। बट अगर हमारे पास रिएक्ट है, बस एक बार नैव बार को एज एन कंपोनेंट बना दो, एज एन फंक्शन बना दो, उसके बाद उस नैव बार को कॉल करवा दीजिए हर पेज के अंदर जाकर, फुटर भी हो सकता है आपका ऐसे ही, आपकी साइड बार ऐसी हो सकती है, इसकी डिफरेंट चीजें। हमारा कोड स्प्लिट हो गया, कम हो गया हमारा कोड इस तरह से आकर, ये काम हमारे रिएक्ट का साथ साथ इसको देखते रहेंगे किस तरह से हमने काम करना है। तो मैं बाकी सब चीजों को हटा देता हूँ यहाँ पे आके, सिर्फ एक बार इसको कॉल करवाते हैं और अब आते हैं यहाँ पे आके, और अब मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि यार आपकी जो एक मेन फाइल है वो index.js, इसका नाम आप लोग चेंज नहीं कर सकते, index.js ही इसका नाम रहेगा, बट आप लोग अगर मल्टीपल फाइल्स अपनी बनाते हो उनके नाम बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, बट एक जो मेन फाइल है उसका नाम चेंज नहीं करना। अगली का नाम मैं ऐसी app.js रख देता हूँ, सही है app.js। और अब
स्ट्रक्चर क्या था, एक फंक्शन जो कि जो है इसको मैं इसका नाम मैं ऐप रख देता हूं इस बार आकर, पैरामीटर्स कुछ भी नहीं जो कि रिटर्न करवा रहा होगा कुछ हमारी एक JSX, हमें पता है एक पेरेंट ऑफ रिटर्न हमेशा होगा, हमें पता है इन सब चीजों का, अब आकर एक पेरेंट रिटर्न होगा और मैं इसको एक H1 दे देता हूं, मैं बोलूंगा दिस इज आवर ऐप कंपोनेंट, कर सकते हैं ऐसे, सेव करेंगे तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा से आ चुका है। अब सीन कुछ है यार, मैं कैसे इस ऐप को जो है ना ब्राउजर में देख सकता हूं, यहाँ पे इस कंपोनेंट को मैं कैसे अपने ब्राउजर में देख सकता हूं, बिकॉज मेरे ब्राउजर में इस टाइम पे क्या चीज आ रही है, वो चीज आ रही है जो कि मेरी इस index.js की फाइल के अंदर पड़ी हुई है, वहां पर जो मेरी चीजें कॉल हो रही है सिर्फ वो चीज मुझे मेरे ब्राउजर में दिख रही है और कोई चीज दिख नहीं रही है। यहां पर तो है ये चीज, वहां पर मैं किस तरह से कॉल करवा सकता हूँ ऐप, क्योंकि सेपरेट फाइल होगी, पहले तो चलो सेम फाइल थी मेरी मैं उनको कॉल करवा पा रहा था, अब फाइल्स ही डिफरेंट हैं। क्या ये यहां पे आके मैं ऐप ऐसे लिख दूं, क्या वो ऐसे काम करेगा मेरा? मैं अगर सेव करके ब्राउजर में आता हूं, आप लोग एरर चेक करोगे, ऐप इज नॉट डिफाइंड, कि यार मैं ऐप को तो जानती हूं ना, आप किसको कॉल करवाने की कोशिश करो यहां पे आके। तो होता ये है कि अगर आपकी किसी और फाइल से कोई भी चीज आ रही है, अब यहां पे लॉजिक आते हैं हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, समझ आ गई? जैसे ऊपर ये चीज हो रही है, इंपोर्ट करवाओ रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट से, सही है? हमें कुछ इसी तरह से अपनी इन चीजों को भी इंपोर्ट करना है। मुझे क्या काम करना होगा, मुझे अपने इस ऐप कंपोनेंट को जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने इस इंडेक्स वाले जेएस इंडेक्स फाइल के अंदर जाकर। ओके है यहां तक आके? ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। पहले हमें पता है हमारा वेरिएबल होता है ऐप, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इंपोर्ट करवाओ हारिस को फ्रॉम कहां से, उसका पाथ प्रॉपर दो। अब यहाँ पे पाथ की बात आ जाती है वापस से, उसका पहले तो ये जो रिएक्ट है वो तो उसका पैकेज है, उसमें पाथ देने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे मुझे उसका पाथ देना पड़ेगा, वो क्या है डॉट स्लैश करके ऐप से मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया, ये कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके, और उसके बाद सेव कर देते हैं इस चीज को आकर। अब इस हारिस को जो है ना मैं कॉल करवा सकता हूँ, ऐप नहीं होगा हारिस होगा ना यहाँ पे आके हारिस, लेकिन अभी मेरा ये काम नहीं करेगा, सेव ब्राउजर। अब चेक करें आप लोग क्या एरर है, मैंने आपको बताया रिएक्ट इतना कमाल का है वो प्रॉपर हमें एरर बता रहे हैं यार, ये आपका एरर है। अगर आप इस एरर को गौर से पढ़ो, मॉड्यूल हैज नो एक्सपोर्ट्स, हमने एक चीज को इंपोर्ट करने की कोशिश की है बट वो एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा अपनी जगह से। अब ऑब्वियस है अगर मैं यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, अगर मैं अपने चावलों को यहां से एक्सपोर्ट करूंगा आगे जाकर तभी उसको कोई इंपोर्ट करेगा ना, अगर मैंने मेरे कंपोनेंट को यहां से एक्सपोर्ट ही नहीं किया आगे जाकर कैसे कोई उसको इंपोर्ट कर सकता है? बाउंसर समझ आ गई? तो क्या चीज है, पहले मुझे अपने इस ऐप कंपोनेंट को इसी फाइल में रखकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कि यार मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, फिर आगे जिसको भी इसकी जरूरत होगी उसको इंपोर्ट कर लेगा। समझ आ गई? तो एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं, आप लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्या है ऐप, आपका ये एक्सपोर्ट भी हो चुका है। अब मैं किसी भी फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकता हूं, सेव किया, अब ब्राउजर में आओ तो अब दिस इज आवर ऐप कंपोनेंट। समझ आ गई सबको? सबको ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना जरूरी है, ऑब्वियस एक्सपोर्ट करोगे देन इंपोर्ट होकर वो काम कर पाएगा, वरना वो काम नहीं कर पाएगा आप लोगों का। अब ये जो प्रॉपर चीज है ना, ये मैंने जो पूरी बनाई है, ये आप लोग कुछ हिस्सा ऐसे कर सकते हो RFCE, ये चेक कर लो प्रॉपर, उसने मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप करो बीच में सारा स्ट्रक्चर, इंपोर्ट रिएक्ट सारा वैसे बनाकर दे दिया, इसलिए मैंने आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है शॉर्टकट कर सकते हैं JS और CSS की फाइल जो है HTML की अलग बना के इसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं। नहीं, आपकी सिर्फ HTML की फाइल इसके साथ लिंक ही नहीं हो सकती, रेक्ट के साथ लिंक नहीं हो सकती आपकी फाइल, ठीक है? तो ये आपने जब अपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया वो कुछ ये काम कर रही है हमारी, प्रॉपर हमें शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रही है। इससे किसके पास डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, लाइक अगर आप RAFCE करते हो, आगे वो बता रहे हैं रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट्स, एरो फंक्शन सिंपल फंक्शन है तो फंक्शन ही ना, बात वो वही कर रहा है, चेक करो। अब वो एक तरह का एरो फंक्शन बनाकर दे देगा हमें, रिटर्न ही वैसे करवा रहा होगा हमारा, डिफ के अंदर हमें कोई भी चीज ऐड कर देनी है, कंट्रोल सी, अगर मैं इसको RFCE कर देता हूं अब ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कंट्रोल जी, अगर मैं इसको RFCE खाली कर देता हूं अब ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्सपोर्ट उसने ऊपर कर दिया, काम ये वैसे कर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही कर रहा है। शॉर्टकट्स हैं डिफरेंट तरह के, सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे उसी में, बट आप मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो RFCE यूज करता हूँ ज्यादा, एरो फंक्शन के साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो रहा है, वो पूरा हमें स्ट्रक्चर भी बनाकर दे रहा है और बस सारा काम भी हो रहा है। नहीं करनी वो, सिर्फ आप हमें रूट के अंदर करनी होती है, ठीक है? अगर आप हमें रेड के अंदर किसी लॉजिक को इंपोर्ट करना, वो हमें फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से सबको क्लियर है, हमने जो अपनी एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे आके, अब मैं सिंपल यहाँ पे आके इसको H1 एक दे सकता हूँ,
H1, this is app component. Save. और इधर आकर इंपोर्ट हो रहा है वो ऐप एज एन हारिस. दिस ऐप कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे. बट अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं एक और चीज, और वो क्या चीज है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ये मतलब है कि यार इसको मैं एज एन डिफॉल्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहा हूं. अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है ना, आप इसको इंपोर्ट किसी भी तरह से कर सकते हो. किसी भी तरह से का मतलब है आप इसको इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हो. जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया है हारिस के नाम से, ठीक है. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब है कि यार आप इसको जैसे मर्जी इंपोर्ट करो, हमें कोई मसला नहीं होने वाला है यहाँ पे आके, सही है. बट सिंपल एक्सपोर्ट क्या होता है? सिंपल एक्सपोर्ट होता है कि यार आपने जिस नाम से एक्सपोर्ट किया है उसी नाम से आपने उसको इंपोर्ट करना है. फिर आगे आप वहां पर फिर अपना नाम चेंज नहीं कर सकते हो. समझ आ गई सबको? अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे होता है हमारे पास RFC, अगर मैं चेक करूं ये भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, मैं अगर डिफॉल्ट इसका हटा देता हूं, ये मेरा सिंपल एक्सपोर्ट हो चुका है बाकर. तो अब अगर आप लोग देखोगे, अब अगर मैं इसको H1 दे देता हूं और इसको इस बार आकर लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट खाली, सेव. और ये अब इंपोर्ट हो रहा है एज एन हारिस. सेव के ब्राउजर में आया तो अब वो चेक करो क्या कह रहा है. हाँ, imported as Harris was not found in .app उस फाइल में. और आगे प्रॉपर फिर उसका एरर पड़ो. पॉसिबल एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या है? पॉसिबल एक्सपोर्ट्स, ऐप एक्सपोर्ट है पॉसिबल. तो उसने जो है इसका ये मतलब है कि यार उसने जो उसको एक्सपोर्ट किया ना वो एज एन ऐप एक्सपोर्ट किया है. आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो एज एन हारिस नहीं कर सकते हो. हाँ, अगर उसने यहाँ पे इसको एज एन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया होता फिर आप उसको एज एन हारिस कर सकते थे, कोई मसला नहीं होना था फिर हमें आकर फिर ये काम कर जाना था. बट उसने एज एन डिफॉल्ट नहीं किया हुआ तो फिर हमें उसके एग्जैक्ट उसी नाम से इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो इसका जो नाम होगा वो क्या है? ऐप. बट अभी भी ये काम नहीं करेगा. सेव किया, ब्राउजर में आएंगे अब. और इसको भी मैं नीचे भी अगर चेंज कर दूं, इधर भी आकर मैं अगर ऐप कर देता हूं फिर भी अभी ये काम नहीं करेगा. सेव किया, ब्राउजर में आया, अभी वो मुझे एरर वही दे रहा है कि यार अभी भी आपका ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा. बिकॉज एक रूल हमेशा ये है रिएक्ट का कि अगर आप स्पेसिफिक नाम से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिक नाम से, आप हमेशा उसको करी ब्रेसिस के अंदर ऐड करते हो कुछ ऐसे. अगर आप कभी भी कोई चीज उससे स्पेसिफिक उसी के नाम से इंपोर्ट करनी है आपने हमेशा उसको करी ब्रेसिस के अंदर ऐड करना है. अगर वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है फिर ये ऐड करने की जरूरत नहीं है. फिर आप सिंपल कोई भी नाम ऐड कर सकते हो और करी ब्रेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है. बट अब इसकी जरूरत थी मुझे, अब ये इसलिए काम कर रहा है मेरा. समझ आ गई सबको? सिंपल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, कुछ इसके रूल सारे हमने जो देखे हैं रिएक्ट के वो सारे के सारे. हाँ एग्जैक्टली. अब ये है कि मेरे पास अब एक ऐप कंपोनेंट, मैं एक और अपना फाइल बनाता हूँ उसके अंदर कोई और कंपोनेंट बना होगा और वो लेट्स सपोज एज एन सिंपल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं उसको यहाँ पे किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ. बट मसला फिर वही है, कॉमन सेंस का मसला हो जाएगा कि यार सेम नाम से इंपोर्ट हो रहा होगा फिर वो उसका भी एरर आ सकता है हमें कि यार आपने उसको पहले से एक बार इनिशियलाइज किया दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे हो. ऐसा कह रहे हमने अपनी जेस में देखे हैं पहले से, ऐसी है ना, तो सेम नाम से एक्सपोर्ट नहीं करना हमने. यहाँ तक क्लियर सबको आकर? इसके कुछ रूल्स हमें क्लियर है सारे, ठीक है. अब इतनी चीज तो चीजें हमें क्लियर होगी और हमें ये भी चीज क्लियर होगी कि किस तरह से जो है हमें अपनी इनलाइन सीएसएस ऐड करनी है. ओके, अब इसमें आ जाती है मेनली जो हम लोग यूज भी करते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस ही होने वाली है. सीएसएस की सेपरेट फाइल होने वाली है और उस फाइल को जो है ना हम लोग फिर यहाँ पे इसके साथ लिंक कर देंगे. अपनी एचटीएमएल के अंदर हम लोग क्या काम करते थे? लिंक का टैग यूज कर लेते थे अपनी एचटीएमएल के अंदर. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मैं अपना स्टाइल और सीएसएस ऐड कर देता हूँ. एक कर सकते हैं ऐसे अपना वही यूनिवर्सल सिलेक्टर ऐड कर देते हैं. सीएसएस वैसे ही रहने वाली है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा. अगर वो एक्सटर्नल सीएसएस है, इनलाइन का चेंज हुआ है मैंने वो आपको बताया. एक्सटर्नल सीएसएस है, सेम है. पैडिंग मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो और बॉक्स साइजिंग जो है वो मेरी बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं. ओके है, सेव किया इस चीज को हमने आकर. और उसके बाद जो है ना ये भी मेरा काम नहीं करेगा. ठीक है, काम क्यों नहीं करेगा? मुझे इसको किसी तरह से लिंक करना पड़ेगा उसके साथ. तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे? हम लोग वो करते हैं कुछ इस तरह से. आप उसको भी करते हो एज एन इंपोर्ट करते हो आप, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है कि यार हमारे स्टाइल वेरिएबल के अंदर इंपोर्ट करो क्या .style. आपको ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप डायरेक्ट क्या काम कर सकते हो? पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो कुछ ये.
डॉट साइल, वो डॉट साइल उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, पर आप लगा भी लो कोई मसला नहीं है। तो अब क्या सीन है, अब भी मेरा काम कर जाना चाहिए, इंपोर्ट अगर मैंने करवाया डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस को, और ये हो गया मेरा काम कर गया, सही हो गया। तो अब आपकी सी एस एस सारी वैसी रहने, जो जो भी हमने प्रॉपर्टी देखी वो सारी वैसी काम करेंगी हमारी, बट उनकी जो इम्पोर्ट है वो कुछ ऐसे होने वाली है हमारे पास यहाँ पे आके। सबको क्लियर है यहाँ तक आके, इसके कुछ रूल्स ओके यहाँ तक आके हम सबको, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट में एक ही फाइल चलेगी, सारी फाइल चल जाएगी, एक फाइल सब में चल जाएगी आपकी, ठीक है। क्यों, इसके अंदर मेनली ये भी चीज होता है, जब आप मल्टीपल कंप्यूटर अपने बना लेते हो ना, फिर आपको ये मसला आ जाता है कि अगर आपने सेम क्लास यूज कर ली ना, फिर मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए कि वो प्रॉपर्टीज उसकी ओवरराइट हो जाएंगी, भले वो फाइल डिफरेंट है बट पूरा रिएक्ट की एक जो रूट है वो तो इंडेक्स डॉट जेएस है ना, आपकी क्लासेस जो है ओवरराइट हो सकती हैं, इसलिए क्लासेस बड़े समझ सोच समझ कर देनी है, जो ओवरराइट ना हो और सेम क्लास ना हो हमारी, ओके। अच्छा जी, अब ये तो चीज होगी, अब क्लास की बात करते हैं यार यहाँ पे आके। क्लास H1 जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ इज इक्वल्स टू, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आके मेरी ऐप क्लास, ऐप की क्लास है, ठीक है। जब मैंने इसको क्लास दे दी और मैं बोलूंगा यार कि डॉट जो ऐप माइनस क्लास है, आप क्या काम करो, आप उसको बैकग्राउंड कलर दे दो येलो, ऐसे सिंपल सी एस एस है। सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे तो इसका येलो कलर अप्लाई हो चुका है, हमें कोई मसला नहीं है यहाँ पे आके। बट अगर मैं अपना कंसोल चेक करूं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कोई वार्निंग हो, कोई एरर हो, कंसोल हमें आता है, हमें कंसोल में हमें वो चीज दिख रही होती है, ऐसी है ना, डेवलपर टूल्स में इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद आके हम लोग अगर अपना कंसोल चेक करते हैं तो आप लोग देखोगे हमें एक वार्निंग जरूर आ रही है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन बाय क्लास नेम। मैंने अभी स्टार्टिंग पर आप लोगों से एक रूल की बात की थी और वो रूल क्या था, ऑलवेज यूज एट्रीब्यूट्स इन कैमल केस, ठीक है। क्लास जो है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लास, ठीक है। तो हम लोग उसी नाम से जब इसको एज एन सी एस एस की क्लास दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार काम ये करा हमारा, काम ऐसा नहीं कि काम नहीं करा हमारा, बट वो कह रहे हैं कि नहीं यार आप इसको क्लास नेम दो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो हम लोग फिर इस दिन आकर क्या काम करते हैं, हमेशा क्लास को क्लास नेम बोलते हैं, कहाँ गया हमारा app.js के अंदर है वो, यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं फिर इसको क्लास नेम बोलते हैं। सेव किया ब्राउजर में आया, तो अब अगर इसको रिलोड करेंगे एक बार आकर तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, जो वार्निंग आ रही है हमें, हमारी वार्निंग भी खत्म हो चुकी है। इसी तरह से हमारा जो लेबल टैग के अंदर फॉर होता था, अगर आप लोगों को याद हो लेबल टैग के अंदर फॉर होता था हमारे पास, और फॉर तो हमारे पास फॉर लूप भी है जेएस के अंदर, फॉर लूप है वो भी यूज नहीं हो सकता, फिर काम करेगा बट ये वार्निंग मिलेगी हमें, तो इस तरह की वार्निंग हमें नहीं आनी चाहिए। फिर वो फॉर को हम लोग HTML4 लिख देते हैं, एस एन कैमल के सी HTML4 लिख देते हैं। इस तरह से कुछ चीजें और हैं, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारे पास इस तरह से चेंज हो सकता है उसके कीवर्ड वगैरह, क्योंकि इसके अंदर जेएस के अंदर काफी चीजें रिजर्व पहले से है ना, तो सिर्फ इसी के अंदर रहकर काम कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। ये काम तो बन गया हमारा, जब इतना काम बन चुका है हमारा तो थोड़ा सा इसका प्रॉपर टेम्पलेट स्टार्ट करते हैं रिएक्ट के ऊपर रहकर। अब इंटरनल सीएसएस मेनली ये होता है, आप अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऑब्जेक्ट बन गया लेट माई स्टाइल, इंटरनल सीएसएस की मैं ये बात कर रहा हूं, लेट माई स्टाइल। और रिटर्न से पहले आप लोगों ने ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, आप लोगों ने कभी भी अगर अपना कोई वेरिएबल बनाना है, फंक्शन बनाना है, एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक कोई भी ऐसी चीज बनानी जो कि कोई चीज अभी रिटर्न नहीं करवा रही है, ठीक है, वो आप अपने रिटर्न से पहले लिखते हो, सही है। मैं करूंगा लेट माई स्टाइल इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखता हूं इसको आकर एक मेरा बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड और कॉमा, उसके बाद हम लोग इसको दे देते हैं अपना कलर कॉलन वाइट, ठीक है, और पैडिंग कॉलन वन रैम तक की, तीन प्रॉपर्टीज बस, तीनों को एज एन ऑब्जेक्ट जो है मैंने स्टोर करवा दिया है यहाँ पे आके। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं यहां पर आकर इसको स्टाइल दे सकता हूं, स्टाइल लिखे कुछ इस तरह से, अगर मुझे इंटरनल सीएसएस यूज करनी है मुझे इन लैंग्वेज के साथ यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, अब मैं कॉल कराऊंगा मेरे माई स्टाइल को कुछ ऐसे, बिकॉज हमने देखा था कि अगर आपने सिंगल कर्ली ब्रेसेस यूज करनी है उसका ये मतलब है कि आपकी कोई चीज यहाँ पे कॉल हो रही है ऊपर से, यहाँ पे मेरा ऊपर वाला जो माई स्टाइल है ना पूरा का पूरा प्रॉपर वो यहाँ पे आके कॉल होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही कर दिया ये सेव माई स्टाइल, मैंने पूरा का पूरा ऐसे करके सेव करके ब्राउजर में आ जाता हूं मैं, हमारे पास कुछ ऐसे काम कर चुका है, सही है।
अब होता ये है, ये काम सीएसएस में इस तरह से तो हमारा काम बन गया, बट ये काम आप लोग अपनी जेएस में नहीं करोगे। लेट सपोज ऐसे हमारा प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ वैल्यूज होती थी प्रॉपर, लाइक कह लो कि हमारे पास नंबर्स होते कोई, ठीक है, वो ऐसे काम नहीं करने थे। उसके लिए हमारे पास और मेथड्स है, मैप का मेथड जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, हमने कुछ वहां वो भी चीज आगे यूज करनी है, बट ये हमारा कुछ ऐसे काम कर देगा। इंटरनल सीएसएस हमारी कुछ ये काम कर रही है, ऐसे इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल, सही है, तीनों हमारी कुछ ऐसे काम कर रही होती है। बट इंटरनल जो है ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज हमारा खुद पूरा कपड़ा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होने वाला है यहाँ पे, तो अगर ऊपर हम लोग अपनी इंटरनल सीएसएस भी ऐड करते हैं काफी बढ़ जाएगा काम हमारा। एक्सटर्नल सीएसएस यूज होगी हमारी एक दो प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग अपनी इनलाइन सीएसएस को यूज कर लो और बस ये चीज है। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे फिजान, अगर मैं ये चीज कर देता हूं, मैं इस माई स्टाइल को कमिट कर रहा हूँ, इसका कोई मुझे काम नहीं है इस टाइम पे मेरे पास आकर, मैं ये काम कर रहा हूँ माई स्टाइल, और हमें पता है कि अगर हमें इनलेस सीएसएस देनी है तो डबल कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी है हम लोगों ने, सही है। इसको मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड कुछ ऐसे, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसको जो है ना कलर भी दे रहा हूं मैं यहाँ पे आके कलर कॉलन व्हाइट, और इसको मैं वापस पैडिंग भी दे रहा हूँ पैडिंग कॉलन वन रैम कुछ इस तरह से, सारी चीज वैसे अप्लाई हो जाएंगी कुछ ऐसे, ठीक है। बट मुझे ये चीज बताएंगे क्या आप कि मैं अगर डॉट ऐप को इधर आकर मैं बैकग्राउंड क्लास या डॉट ऐप है मेरे पास, क्या है मेरे पास वो, हाँ डॉट ऐप क्लास नेम डॉट ऐप ही है हमारे पास यहाँ पे, सही है, और मैं इसको आकर मेरा दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्राउन, तो बताएं मुझे ब्राउन अप्लाई हो जाएगा होगा या रेड अप्लाई होगा, रेड अप्लाई होगा क्यों, हाँ पहले अंदर से ढूंढेगा, ये क्या लॉजिक है, सिंपल इनलाइन प्रेसिडेंस लेते हैं हमेशा, हमने इसकी प्योर रेशियल सीएसएस में बात की थी कि हमेशा अगर आपने इनलाइन सीएसएस दी हुई है वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सभी के ऊपर प्रेसिडेंस ले जाता है, सही है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने उसको इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है ये वाला रेड कलर का, कहां पर क्लास है, क्लास का नाम कुछ भी कर दो, क्लास का नाम है कुछ भी रख दो, हाँ ये वाला ना, क्योंकि मेरी क्लास का नाम ही भैया ऐप माइनस क्लास है, अगर मैं ये तो काम ही ना कर सकते ऐप स्पेस क्लास, इस तरह से वो दो क्लासेस बन चुकी हैं इस टाइम पे मेरे पास, कैमल केस भी यूज कर सकते हैं, बट क्या आप लोग ये चीज भूल चुके हो कि हम लोग स्पेस करके मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो मैं वो स्पेस नहीं करना चाह रहा था, मैं एक ही क्लास ऐड करना चाह रहा, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दो अपना कुछ भी ऐड कर दो, है तो ये पूरी पूरी प्रॉपर एक ही क्लास ना यहाँ पे आके मिसबा, हाँ है पूरी एक ही क्लास हमारे पास यहाँ पे, या आप इसको ऐसे लिख दो ऐप क्लास कैमल केस में यूज कर लो, मर्जी आपकी है, बट ना आप स्पेस दोगे फिर तो मल्टीपल क्लासेस बन जाएंगी ना, तो हमने मल्टीपल क्लासेस नहीं दी है, बस मैंने उसको एक ही क्लास बनाया उसके अंदर, ओके यहाँ तक आके सबको ठीक हो गया, तो बस यही कुछ। अब देखो मेरी सारी प्रॉपर्टीज जो है इसकी हट सकती है, तो मैं इसको यहाँ पे आके कर देता हूँ मेरा ऐप माइनस क्लास ऐप कैमल केस में क्लास, ओके यहाँ तक आके, और इनलाइन स्टाइल इसका हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इनलाइन स्टाइल इसका सारा का सारा मैं हटा दूंगा, काम कर रहा है मेरा यहाँ तक आके, मुझे कोई मसला नहीं है यहाँ तक आके, आई गेस यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे हम लोग।